आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम जा रहे हैं नकोड़ा गांव में। आप नीचे देख सकते हैं यमुनोत्री हाईवे, और अब हमने जो है नकोड़ा गांव की जो चढ़ाई है वो शुरू कर दी है। सामने जो है यमुनोत्री हाईवे है, और ये आप गांव का रास्ता देख सकते हैं। हमारे जो दीवान जी हैं वो भी मशीन लेकर आ रहे हैं, और एक दीवान जी आगे चल रहे हैं, मेरे पास भी मशीन है, और हम रास्ते की चढ़ाई जो है चढ़ते जा रहे हैं। आप बने रहें वीडियो में, देखेंगे रास्ते में और कैसे व्यू दिखाई देते हैं और किस प्रकार से ईवीएम तथा वीवीपैट का डेमोंस्ट्रेशन हम गाँव वालों के बीच करते हैं। ये हमारे साथी लोग जो हैं चल दिए हैं रास्ते पे धीरे धीरे नकोड़ा गांव की ओर, और यहाँ से अभी जो है दूर है नकोड़ा गांव। सामने पुल भी लगा हुआ दूसरे गांव के लिए, और नीचे नदी बह रही है, कोई छोटा गदेरा टाइप का है। ये रास्ते में नदी और वहाँ काफ़ी साफ पानी है, आप देख सकते हैं, और ये पानी जाकर माँ यमुना नदी में मिल जाता है। बाद में कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं आसपास के पहाड़ के। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है थोड़ा, और हम अपने कदमों को धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ाए जा रहे हैं। ये हम अभी भी जो है नकोड़ा वाले रास्ते पर चल रहे हैं, थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके हैं, और हमारे साथी आप देख पा रहे होंगे आगे पहुंच गए हैं। ये अभी हम रास्ते में आराम करने के लिए बैठे हुए, और आप रास्ते से देख व्यू भी देख सकते हो। थोड़ा दूर रह गया अब ये गांव, ऊपर जंगल चीड़ का है पूरा, देखिए। ये हम आ गए हैं नकोड़ा गांव में। कौन सा दवाया? कार्य समाप्त करने के बाद अब हम वापस अपनी ईवीएम वैन की तरफ जाते हुए गांव से। ये आप देख सकते हैं रास्ता, गांव के मकान, पक्के मकान भी बने हुए हैं, और ये देखिए बहुत महंगा। आ रहे थे लोग। अब हम गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए नीचे की ओर जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप नीचे नदी, और अब हम वापस जा रहे हैं। थकाई काफी लग गई हमको चढ़ते चढ़ते, और अब हम जो है नीचे ढाल उतर रहे हैं। और पहाड़ में चढ़ना भी मुश्किल रहता है, और नीचे ढाल में उतरना भी काफ़ी मुश्किल होता है, बड़ी संभल कर चलना पड़ता है, नहीं तो फिसलने का खतरा है। नीचे आप देख सकते हैं गहराई खाई है, गिर गए तो सीधे नीचे पहुंचेंगे।
रास्ते में आप देख सकते हैं व्यू, जंगल के रास्ते, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम बिल्कुल साफ क्लियर। और हमारे साथी लोग आगे जा चुके हैं काफ़ी दूर से, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि ये जंगल से का रास्ता है और जंगली जानवर का भय हमसे बना रहता है, इसलिए मुझे अब जो थोड़ा स्पीड से नीचे की ओर करना पड़ेगा क्योंकि मैं पीछे रह गया हूँ। हमारे साथी मुझसे जो है 100 मीटर आगे निकल गए कम से कम। चलो चलते हैं हम तेज़ी के साथ ही। अच्छा ये हम फिर उसी पुल पर आ गए हैं, ये सामने आपको यमुनोत्री हाईवे दिखाई दे रहा होगा और वहीं पर हमारी वैन भी खड़ी है। वो हमारी वैन खड़ी है पुल के ऊपर, वहीं हमें जाना है। तो आइए चलते हैं जल्दी से, हमारा रास्ता लगभग कट गया है, थोड़ा रह गया है, आधा 1 किलोमीटर रह गया लगभग। और हमने जो है ये सफ़र अपना धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, पहुंचने वाले हैं हम बस 10 मिनट में अपनी वैन के पास। ये वन चौकी, जीव जंतुओं की करोगे जब रक्षा तभी होगी पर्यावरण की सुरक्षा। और दवा भी है, स्वच्छ पर्यावरण से नाता जोड़ो, जैव विविधता से होना मोह। ये देखिए सामने पहाड़ों का दृश्य, अब हम पहुंचने वाले हैं मेन रोड पर। ये अब हम मेन रोड पर पहुंचने वाले हैं जहां से हमने अपना सफ़र शुरू किया था आज, वापस फिर वहीं पर पहुंचने वाले हैं यमुनोत्री हाईवे पर। ये देखिए कालीघाट, शाना चट्टी, हनुमान चट्टी। ये आ गए हम अपनी वैन की ओर, ये अपनी वैन। ये यमुनोत्री हाईवे, इस प्रकार हमारा आज का दिन व्यतीत हो गया और अब हम वापस बड़कोट की ओर चल दिए अपनी वैन से।